नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक नीरज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में जाने से पहले संस्कृत दिग्दर्शिका की चार चैप्टर अवश्य देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा लंबा है, सभी आप नहीं पढ़ सकते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से जो पिछले पेपर्स के ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर फंसेगा और आप इसे बिना देखे नहीं जाएंगे। बचे हुए समय में फटाफट आप इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये चार चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला भोजस्य औदार्यम, दूसरा संस्कृत भाषा या महत्वम, तीसरा जातक कथा और तीसरा सुभाषित रत्नान। ये चार चैप्टर हैं, भोजस्य औदार्यम, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा और सुभाषित रत्नान। इन चार चैप्टर से आपको निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेंगे और संस्कृत दिग्दर्शिका से फंसने वाले सारे के सारे प्रश्न यहीं से होंगे दोस्तों। इसलिए इसे पढ़े हुए बिल्कुल भी बिना पढ़े नहीं जाना है, आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें से। इन चार, अभी आपके पास पर्याप्त समय है जिससे आप इन चारों चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो अंतिम समय में मैंने देखा कि कई कई बार बच्चों के प्रश्न संस्कृत दिग्दर्शिका के सेक्शन से बनने की वजह से छूट जाते हैं, बच्चे ज़्यादा समय नहीं दे पाते इस पार्ट को निश्चित तौर पर। तो इस समस्या के निदान को दिमाग में रखते हुए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी मुझे एक काम और करना है जो आप लोगों के साथ आपको एग्जाम से जाने से पहले मैं शेयर करूंगा, मतलब कल तक का आपके पास समय है, 17 तारीख का समय है आपके पास। और इस 17 तारीख के दिन आपको अंतिम समय में 9 नंबर की तैयारी कर लेनी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन से महत्वपूर्ण ऐसे और निबंध हैं जिन्हें आपको देख करके जाना है एग्जाम में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए बच्चों को जिससे सबको इसका लाभ मिले, और लाइक कीजिए ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो। और इंतज़ार करिए अगला वीडियो तुरंत जस्ट कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों में ही मैं लेकर के आऊँगा, और वो निबंध अवश्य देख करके जाइएगा एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।